ਕਿੱਥੇ ਹਾਰ ਕਰ ਗਏ ਲੋ ਫਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ बेचारे 16 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, रात को डिनर नहीं मिले तो ऐसे ही चले जाते हैं, हेलीपैड पे पैकअप हो 2 बजे तो ऐसे चलते जाते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर भी प्रोड्यूसर भरोसे में। खैर, अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे बाकी की जगह से सुनने में आ रहा है कि प्रोड्यूसर इस ताकीद में बैठा कह रहे सर देखते हैं ना एक दो दिन में स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, सबका हौसला टूट जाएगा, ये लोग सब चले जाएंगे, 2 दिन में हम सब कुछ खत्म कर देंगे। क्या स्ट्राइक टूटेगी? क्या हम स्ट्राइक खत्म करेंगे? क्या हम हार मानेंगे? हम प्रोड्यूसर को झुकाएंगे, हम नहीं झुकेंगे। 10 दिन चले लो सर। Yes, we are with you, sir. अब अहम बात मेरे प्रेसिडेंट साहब बी एन तिवारी जी कहाँ हैं? लोगों को कहीं भी अकेला छोड़ के हम कहीं नहीं भागेंगे। कौन बोल रहा था कि हम भाग गए? इतने देर तक तुम लोगों का टाइम पास गया। मैंने ये नहीं बोली, मैंने बोली दुश्मनी जम के करो, अमिताभ बच्चन। खैर, सुन लो, उसका भी मैंने पूछा, मैंने उनको सब चीज बताई। उनकी इंफॉर्मेशन है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोड्यूसर के पुट किए हुए हैं, ये उनकी पूरी पक्की इंफॉर्मेशन है। बोला इसके लिए आपको रोका जा रहा है, अगर आप गए उनमें से किसी ने एक पत्थर मार दिया आप लोग कोर्ट में केस हार जाओगे, और पुलिस डिपार्टमेंट नहीं चाहता जो लोग यहाँ खड़े हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसी भी तरह की हार बर्दाश्त करे। दिलीप भाई, इसलिए हम आपके साथ। मैंने आप लोगों को इसलिए आगे बुलाया, कि ये जो है इनको भाड़े पे बुलाया है। अब बताओ मेरे जो पर डे पे काम करने वाले हैं उनको कन्विंस सकते हम दे नहीं रहे, सब अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, और वो प्रोड्यूसर वहां बैठे बैठे मीडिया में और यहाँ वहां भाषणबाजी कर रहे हैं कि ये भाड़े के लोग आए हैं।
हम भाड़े के हैं क्या? हम भाड़े के हैं क्या? तो चोर कौन है? तो जूता कौन है? तो चोर कौन है? तो जूता कौन है? चैनल को कौन भड़का रहा है? चैनल को कौन झूठ बोल रहा है? मीडिया में कौन झूठ बोल रहा है? सबको कौन झूठ बोल रहा है? आज ये भी बातें सामने आती हैं कि भाई फेडरेशन में ये यूनियन नहीं है, फेडरेशन में वो यूनियन नहीं है। अगर 100 की यूनिट है तो 40 आदमी काम कर रहे हैं, जिनको धमका के डरा के काम किया जा रहा है, जिनको बोला जा रहा है तुमको नौकरी से निकाल देंगे। अभी तक मेरे पास 12 लोग आ चुके हैं कि हमको नौकरियों से निकाल दिया। हम पुलिस प्रशासन को भी यही कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है कि हमको अपने मेंबरों से बात करने दिया जाए, बट हमें अंदर छोड़ा नहीं जाता। ये प्रोड्यूसर ने इतना प्रेशर दे के रखा है कि इनको छोड़ेंगे तो हमारी शूटिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि इनके लोग इनके साथ चले जाएंगे। कायर मुस्लिम लोग हैं जिनको डर है कि अगर हमारा सैलाब अंदर जाएगा तो हमारे वर्कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इनकी शूटिंग नहीं होगी। हमारा हक जो है हम कोई नहीं डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ अरे इसी तरह स्ट्राइक हुई थी, शाम के शाम वो बैठे थे और उन्होंने लिख के दिया था वही डिमांड हमारी है, हमने कोई नई डिमांड नहीं दी। और साजिद नरेंद्र वाला जो चेयरमैन थे IFTPC के, उन्होंने ये तक मैसेज दिया कि ये सारी चीजें मेरे सामने हाँ हुई थी, लेकिन फिर ये टीवी वाले क्यों नहीं दे रहे हैं वर्करों को? ये इतनी बड़ी बात है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये टीवी वालों का है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द हमारे ही लोगों को बाहर गेट पे खड़ा किया जा रहा है कि जाओ सबको अंदर लेकर आओ, और हमारे बीच में के लोग वहां खड़े हैं और लेकर आ रही है घर पे आराम से बैठे हुए हैं। ये हमारे में फूट गिरा रहे हैं, हमारे में डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, और हमारे ही लोग प्रेशर दे दे के तुम नहीं आओगे तो नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। आज यहाँ लाइट इक्विपमेंट वाले सारे लोग आए हुए हैं, जितनी टीवी इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में लाइटें चलती हैं उनकी पूरी एसोसिएशन आई है आप लोगों के बीच में आई है। पिक्चरों की शूटिंग चलती है उनमें जितनी लाइटें लगी हुई है वो इन सब लोगों की है, और कल फैसला लिया रात को कि भाई जो हमने देखा यहाँ जो सैलाब है हमारा दिल कांप उठा है, हम आपके फेडरेशन के स्ट्राइक में साथ में आते हैं। और उनके डायलॉग मेंबर की तरफ से हम ये दावा करते हैं कि हम तय जिंदगी आपके एहसान मंद रहेंगे और आपके साथ रहेंगे, हम सब आपके साथ हैं। उनको अगर जिंदगी में प्रोड्यूसर ने सताया हम साथ में आएंगे, किसी दिन ऐसा भी मौका आएगा कि इनके लिए फिर सलाह के शूटिंग नहीं होगी, हमारी लाइटें ऑन नहीं होगी, हमारे लाइट में नहीं आएंगे। और भी बाकी आ रहे पीछे से, हम लोग सब लोग तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो ये आए हैं हमारे साथ। हमारे साथ सलीम भाई कहा गया, जनरेटर वाले वो भी जुड़े हैं। सलीम भाई आइए, सलीम भाई को आने के लिए रास्ता दो। सलीम भाई थोड़ा रास्ता लक्ष्मी में कुछ लोगों को हमारे बंदे से थोड़ा बाचा बाची हो गई थी, उधर कल हम लोग पूरा एडिट
निकला था वो कांग्रेस के राज में निकला था और वही प्रोसेस ने वही जीआर आगे कंटिन्यू किया हुआ है। और मेरे आगे जाके सीएम देवेंद्र जी से नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट होने वाली है, जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हम लोग सुनीता जी है, कि ये जो जीआर 12 घंटे का जो पास किया हुआ है वो हटाया जाए और लोगों को जो सरकार का जीआर है 8 घंटा ड्यूटी, वो जीआर के ऊपर हमें हमारा हक चाहिए और इसके लिए मैं फेडरेशन के साथ हूँ। रश्मि शर्मा, रश्मि शर्मा, रश्मि शर्मा, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, मैं तो लेता हूँ दिलीप भाई, राजा भाई, आगे उधर आ जाओ, राजा भाई, राजा भाई, इजाज भाई, आइए आइए ऊपर आओ ना, आगे ऊपर आ जाओ, भाई दिलीप जी आइए, बहन जी, फ्रेम लाइन के अंदर भी बाकी भी हर बाजू से हमारे को पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरे मुंह से सुनने बच्चे उनसे सुनिए, बात करिए, राधे साहब दो शब्द बोलिए। या ठिकाणी धडक कामगार युनियनचा या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा या ठिकाणी जाहीर करतो। या ठिकाणी उद्या पर्यंत जर आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर मुंबई शहरातल्या आणि आसपासच्या ठाणा नवी मुंबईचे सगळे थिएटर आपण बंद करू। आसपास कार्निवल असेल, सिनेमॅक्स असेल, पीव्हीआर असेल, या सगळ्या थिएटर्सला उद्यापासून आपण इशारे देऊ की आपले जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत त्या ठिकाणी आपण सिनेमा चालवायला देणार नाही। धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातून असलेले 4-4.5 लाख कामगार वेगळ्या वेगळ्या प्रभागामध्ये वेगळ्या वेगळ्या विभागामध्ये काम करत आहेत। या ठिकाणी तुम्हाला सगळ्यांना पाठिंबा देतोय आणि तुम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी मोठ्या ताकदीने आपण सगळे कामाला लागा। और जो आपने आश्वासन दिया है, उम्मीद है कि प्रोड्यूसर तक हमारी मांगे जल्द से जल्द पहुंचे और वो इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लें। थैंक यू। सारी कोशिशें चालू है, बस सिर्फ आपका साथ चाहिए। जिस तरह आज है उस तरह कल भी चाहिए, उस तरह परसों भी चाहिए।